नमस्कार दोस्तों, सूरत खूबसूरत में आपनो स्वागत छे। सत्य करता बीजो कोई धर्म महान नथी, आ सिद्धांत पर काम करे छे थियोसोफिकल सोसाइटी नो एनी बेसेंट हॉल। ईस्वीसन 300 में थियोसोफी शब्द नो सौ प्रथम वक्त उपयोग करनार ग्रीक तत्वज्ञानी एमोनियस सेकास हता। आ शब्द ग्रीक भाषा नो छे अने थियोस एटले ईश्वर, सोफिया एटले ज्ञान, ईश्वर अंगेनु ज्ञान अने समझ एटले थियोसोफी। थियोसोफी ने ब्रह्मविद्या, आत्मविद्या, पराविद्या, गुप्त विद्या, दिव्य विद्या, पुराणी प्रज्ञा जेवा अनेक शब्द प्रयोग थी वर्णवाय छे। थियोसोफिकल सोसाइटी ना नाम थी प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय संस्था की स्थापना ईस्वीसन 1875 में नवेम्बर 17 तारीखे अमेरिका न्यूयॉर्क शहर में करवामां आवी हती। त्यार पछीना थोड़ा ज वर्षों में ईस्वीसन 1884 में श्री नवतम राम त्रिवेदीए सूरत में थियोसोफिकल सोसायटी सिद्धांतों ने अनुसरती संस्था सनातन धर्मसभा की स्थापना करी अने पछी थी तेना प्रचार अर्थे गुजरातना गामडे गामडे फर्या हता। शुरुआत में सूरत में आमलीरान विस्तार में आवेली हटकेश्वर वाड़ी नी जग्याए सनातन धर्म सभा नी प्रवृत्तिओ चालती हती। त्यारबाद सनातन धर्म सभा सनातन लॉजना नामे ओळखाई। आ लॉजना विकास में सर्वश्री नवतमराम त्रिवेदी, डॉक्टर दीनसा एदल बहराम, श्री सत्वसुख होरा, श्री राजेंद्र भाई त्रिवेदी, श्री वैकुंठ भाई सीतवाड़ा, श्री प्रपन्न भाई काजी, श्री अतिशुक भाई शेठ वगैरह तेमज सूरतना प्रतिष्ठित सज्जनों अने डॉक्टर एनी बेसंट नो महत्वनो फाड़ो रहे होतो। डॉक्टर एनी बेसंट ज्यारे सूरत आवता त्यारे दिनसा एदल बहराम जी ने त्यां रोकाता हता। केटलाक वर्षों पछी सोनी फळिया में एक जैन मंदिर नो केटलोक भाग मळ्यो, तेना आगळना भाग में डॉक्टर एनी बेसंट नी कामगीरी नी याद में एनी बेसंट हॉल बांधवामां आव्यो हतो, जेनु उद्घाटन तारीख 30 जान्युआरी 1937 ना रोज श्री जमशेद मेहता ना शुभ हस्ते करवामां आव्यु हतुं। त्यार पछी आगळना भाग में मुख्य हॉल अने ऊपरना भाग में मेसोनिक हॉल बांधवामां आव्यो हतो। सर्व धर्मों ने एक समान माननारी आ संस्थानु सूत्र छे, सत्य करता बीजो कोई धर्म महान नथी, देर इज अ नो रिलिजन हायर देन ट्रूथ। थियोसोफी सोसायटी ना त्रण मुख्य उद्देशों, पहलू कौम, रंग, वर्ण, जाति, ज्ञाति, देश, भाषा के संप्रदाय ना भेदभाव वगर मानव जाति ना विश्व बंधुत्वनु केंद्र स्थापवो। बीजू धर्म तत्वज्ञान विज्ञान शास्त्रनो तुलनात्मक दृष्टिए अभ्यास करवो। त्रीजू कुदरतना नहीं समझायेला नियमोनी शोध करवी अने मनुष्यमा सुसुप्त रहेला शक्तिबळने जागृत करवी। अहीं आध्यात्म, समाज, विज्ञान, जीवन विकास ने लगता प्रवचनों योजाय छे, तेमज मेसोनिक पद्धति एटले के गुप्त साधनाना मार्गनी प्रवृत्ति पण थई रही छे। थियोसोफीना सिद्धांतवाळू जीवन जीववानी कला रोजिंदा जीवन व्यवहारमां मूर्ति स्वरूपे आवे तो ज साचा थियोसोफिस्ट बनी शकाय। धन्यवाद।